माहे रमजान की अलविदा जुमा की नमाज अदा। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में रमजान उल मुबारक की अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर नमाजियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण मस्जिद इंतजामिया कमेटियों के द्वारा वजू का पानी बेहतर इंतजाम किया गया था। जामा मस्जिद लक्ष्मणपुर बाजार में पेश मोहम्मद ईशा हसमती ने नमाज अलविदा जुमा अदा कराई, जबकि मदीना मस्जिद में मौलाना अतीक ने अलविदा जुमा की नमाज अदा कराई। नमाज अलविदा जुमा को लेकर मुस्लिम मोहल्ले में आज सुबह से ही चहल पहल देखी गई। खासकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चे आज नए नए कपड़े पहनकर नमाज अलविदा जुमा अदा की। अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के लिए नमाजी पूर्वा 11 बजे से ही मस्जिदों में दाखिल होने लगे थे। अलविदा जुमा के अवसर पर ज़कात व फितरा मांगने वालों की भीड़ सभी मस्जिदों के पास देखी गई। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घर के मरहूमों के नाम से गरीबों को इफ्तार कराने के साथ ही खाना खिलाया। वही रमजान उल मुबारक महीने के दौरान पढ़ी गई कुरान पाक को बख्शवाया। अलविदा जुमा के अवसर पर उपस्थित नमाजियों को संबोधित करते हुए जामा मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद ईशा हसमती ने कहा कि आज हम सभी रमजान उल मुबारक को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सभी लोगों को सिर्फ नमाज रमजान उल मुबारक को अलविदा कहना है, ना कि नमाज को। उन्होंने कहा कि जिस तरह रमजान उल मुबारक के दौरान लोग खुदा की इबादत करने के साथ ही नमाज अदा करते हैं, उसे जारी रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को ज़कात व फितरा निकाल कर गरीबों में तकसीम करनी चाहिए, ताकि गरीब व असहाय लोग भी खुशी खुशी ईद का त्यौहार मना सके। उन्होंने कहा कि जो शख्स अपने माल का ज़कात निकालता है, उसका माल पाक व साफ हो जाता है, साथ ही उसके माल में बरकत होती है। उन्होंने कहा कि जो रोज़ेदार सदकाए फितरा अदा नहीं करता, उसका रोज़ा आसमान व ज़मीन के बीच लटका रहता है, उसका रोज़ा खुदा की राह में कबूल नहीं होती है। कारी मोहम्मद अहमद ने कहा कि रमजान उल मुबारक महीने के दौरान एक ऐसी रात आती है जो हजार रातों से बेहतर है। इस रात को शब कद्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस रात में लोगों को खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। मौलाना रहमतुल्ला ने कहा कि माह रमजान में ही कुरान पाक को उतारा गया। उन्होंने कहा कि रमजान के महीनों में रहमतों की बारिश होती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, साथ ही जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसके अलावा शैतान को कैद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना खुदा का पसंदीदा व महबूब महीना है। अलविदा जुमा अदा करने के बाद लोगों ने खुदा से दुआएं की। लक्ष्मणपुर बाजार, साई, तकिया, भीखपुर, तरियाई, गढ़ी, पिपरी, बंठीवा, संग्रामगंज आदि मस्जिदों में अलविदा की नमाज कड़ी सुरक्षा में अदा की गई। इस दौरान चौकी प्रभारी वीरपाल सिंह तोमर अपने टीम के साथ मौजूद रहे।